सभी किसान भाइयों को मैं राम राम। भाइयों आज की वीडियो होने वाली है जो कि हम स्प्रे कर रहे हैं बड़े टैंकर से जो ट्रैक्टर के पीछे होता है, तो इसके बारे में देख सकते हैं भाइयों। मैं आपको डिटेल भी दूंगा और इसे चला के भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ भाइयों आलू की फसल हमारी खड़ी हुई है और इस पर हम स्प्रे करेंगे। तो भाइयों शुरुआत करते हैं, जो इसका बैक नोजिल है, जो बहुत से किसान है भाइयों वो क्या करते हैं, जो यहाँ बड़ी गन रखते हैं, जैसे मान लो आप ये वाली गन देख रहे हैं, इस टाइप की गन आती है वे लगा लेते हैं। तो उनसे क्या होता है भाई, हाथ में जो पकड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें जो है ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, बहुत छोटा सा जुगाड़ है भाई, बस ये नॉर्मल लग जाता है और प्रेशर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप इसका, यहाँ से खोल बंद करके। तो भाइयों देख सकते हैं, पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसे, देख सकते हैं आप भाइयों इसमें जो है पीछे पाइप लपेटने का जुगाड़ दिया हुआ है। और जो भाइयों ये टैंक है इसका 500 लीटर के करीब का टैंक है भाइयों, जो इसका ये टैंक है जिसमें दवाई हमारी भरी जाती है। ऑटोमेटिक भाइयों इसमें जो स्प्रे करने का जुगाड़ है वो भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप इस साइड, ये जो है ये ऑटोमेटिक करता है। इसकी हम अगर बेल्ट, ये वाली बेल्ट चढ़ा देंगे उस पर तो ये ऑटोमेटिक ही अप डाउन करने लगेगा। और भाइयों देख सकते हैं आप जो है ये इसका पंप है जो कि प्रेशर बनाने का काम करता है। डबल बेल्ट चढ़ी हुई है भाइयों इस पे, कोई सिंगल में भाइयों स्लिप होने के चांस रहते हैं, तो डबल बेल्ट के साथ ये पंप दिया हुआ है। नीचे पीटीओ द्वारा ट्रैक्टर की चलता है और इसमें है ना भाइयों आप अपने हिसाब से प्रेशर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको साइड से दिखाता हूं इसका पूरा जो सिस्टम है। तो यहां देख सकते हैं भाइयों, यहां से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और ये प्रेशर की सुई है, ये पूरा आपका जितना भी आपको प्रेशर करना है उस हिसाब से बताएगी कायदे। तो भाइयों जैसे मान लो 10 के करीब तो रखना चाहिए हमें नॉर्मल प्रेशर, जो एक पाइप चलाएं, डबल पाइप पे हमें 20 के करीब लो रखना चाहिए दबा के प्रेशर। और इसे भाइयों आपको देख सकते हैं चार पाइप दिए हुए हैं जिसे आप टी बोल सकते हैं, जो चलाने का काम करते हैं। तो इसमें भाइयों एक तो है बैक पाइप का जो आपका बड़ा पाइप है, और दो आपके हो गए भाइयों जो ये वाले नोजिल हैं, ये वाले ऑटोमेटिक हैं जो दोनों साइड वाले, और एक जो पाइप है भाइयों ये टैंकर ऐसा है कि आप मतलब कहीं खेत में है तो आपको पानी भरना है तो आप पानी भी ऑटोमेटिक ही इससे टैंकर से भर सकते हैं, ऐसा नहीं है भाइयों बाल्टी से आप करें। ये देख सकते हैं भाइयों ये पूरा सिस्टम है इसका पाइप का, ये वाला जो सिस्टम है ये उसमें गिर जाएगा पानी की हुज्जी में, और आप फिर इसमें दूसरा जो इसका सिरा है ये रहा भाइयों इसका ये रहा, ये आप ये इसमें गिर सकते हैं। और देख सकते हैं भाइयों ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ बैल चढ़ के देख सकते हैं आप भाइयों गराई द्वारा सारा सिस्टम हुआ हुआ है, देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। बस हमारे भाई किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इसकी एडजस्ट जो है वो सही तरीके से करें, जो आपस में स्प्रे को कटे ना, मतलब नॉर्मल एक पाइप अगर इस साइड आए प्रेशर को जो ये वाला स्प्रे करेगा दूसरा उतना ही खूड़ पे स्प्रे करे। और दूसरा भाइयों इसमें थोड़ा ग्रीस का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो ये बैरिंग है ये काफी इजीली ऑपरेट हो जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड वगैरह की समस्या ना आए और टूट फूट की समस्या कम आए। बाकी भाइयों आप बताइए, कुछ जो हमारे किसान हैं जो टैंक बनवाते हैं वो इसमें स्टैंड का जुगाड़ नहीं करवाते, वैसा सिंपल वाला करवाते तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। मान लो हमें गन्ने में स्प्रे करनी है तो हम इसे पूरा ऊपर कर देते हैं जिससे गन्ना टूटता नहीं है, जो वे रहते हैं जिनमें नीचे वे एंगल लगवा देते हैं उसमें थोड़ा गन्ना टूटता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये देख सकते हैं भाइयों ये जो है इसमें यहाँ से ये दिया हुआ है और कितनी अच्छी तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि पाइप आपका खींचेगा या लिपटेगा वैसे जब आप इसे करेंगे खोलेंगे। और यहाँ से इसमें लॉक है, आप अपने हिसाब से इसे यहाँ लॉक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं भाइयों। तो नॉर्मल भाइयों स्लो ही आरपीएम पे ट्रैक्टर चलेगा इस पे, ऐसा नहीं है कि रेस देनी पड़ेगी। और बाकी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। और बात करते हैं भाई दवाई की, इसमें जो हम आलू में स्प्रे कर रहे हैं भाइयों, हमारे किसान बहुत से क्या है यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, हम यहाँ देख सकते हैं आप हम इसमें ऑर्गेनिक करने की प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारा मकसद है। ये देख सकते हैं भाइयों डीकम्पोजर है जो कि आप वो गुड़ घोल के द्वारा जैविक अमृत बनाते हैं, या भाई एक डीकम्पोजर आता है छोटी सी, उसकी वीडियो भाइयों हम जल्दी लाएंगे जिससे कि हमारे किसानों को पता लगे कि वेस्ट डीकम्पोजर होता क्या है। तो ये भाइयों हम ये इसी स्प्रे ऊपर कर रहे हैं, नीचे पानी में भी छोड़ सकते हैं हमारे किसान इसे और स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में भाइयों जो हमारी जो ये आलू की फसल हुई, दालों की, चने की, जो मुलायम फसल होती है उन पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे गन्ना का हुआ तो गन्ने पे भाइयों कुछ कम करेगा, लेकिन आलू हुए जो मुलायम जिसका पत्ता रहता है उस पे काफी अच्छा वर्क करता है। तो आइए भाइयों अब चला के दिखाते हैं। पहले मैं बता दूं भाइयों इस टैंकर में हमें 3 आदमियों की आवश्यकता होती है,
क्योंकि एक तो भाई पाइप लेके चलेगा, दूसरा उसे खींच कर लेगा और एक हमारा इसी ट्रैक्टर को ऑपरेट करेगा। तो आइए भाई चलते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं आप, आकाश भाई हमारे उस साइड प्रेशर का उपयोग कर रहे हैं इसका मशीन से स्प्रे। तो देख सकते हैं भाइयों इसे कितना इजीली ऑपरेट होता है। जो गन होती है वो यहाँ आदमी पकड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। आप आइए भाइयों, तो ये देख सकते हैं भाइयों आप 8-7 खूड भाइयों आप इस साइड लेके चल रहे हैं आकाश भाई जो है हमारे स्प्रे करके, और 8-7 इस साइड। और यहाँ देख सकते हैं भाइयों कितने इजीली तरीके से आप इसे ऑपरेट करने हैं हमारे भाई। तो भाइयों अब मैं करके देखता हूँ इसे स्प्रे, भाई दिखाइए हमें थोड़ा सा। तो भाइयों काफी ज्यादा इजीली ऑपरेट हो रहा है देख सकते हैं आप। तो पानी भाइयों अच्छा फेंक रही है मशीन, ऐसा नहीं है कि हल्का ही फेंक रही है। तो इसमें भाइयों हमें 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है, देख सकते हैं आप पीछे भी एक हमारा जो भाई है अनमोल वो उसे खींच रहा मस्त ढिल्ला कर रहा है, और हम आकाश भाई हमारे यहाँ से इसे खींचेंगे। तो भाइयों एक बार मैं आपको मशीन की ओर दिखाता हूँ कि मशीन के प्रेशर की सुई जो मैंने आपको बताई थी वो कितनी हमने रख रखी है इसमें। तो भाइयों आप प्रेशर की सुई देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 10 पे ही है नॉर्मल, ये सुई जो है हमारी जो मैंने बताया था भाइयों 10 पे ही हमें रखनी चाहिए वो। और देख सकते हैं भाइयों ये ऐसे ऐसे हमें खोलना पड़ता है पाइप को ऐसे ऐसे, भाइयों देख सकते हैं आप 3 आदमी ऐसे से ऑपरेट करते हैं मशीन को, ये देख सकते हैं भाइयों। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सिरोही फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हो नई किसी शानदार वीडियो के साथ भाइयों, धन्यवाद।